हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट की आज समरी लाए हैं, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और ये मूस एक देवी है, उसके द्वारा ही यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है या लिखा गया है। ठीक है, हेवन और हेल के बारे में आप जानती हैं। सबसे पहले गॉड ने दो जनों की क्रिएशन की थी, एडम और ईव। ये आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। एडम और ईव ये दो मनुष्य थे जिनकी भगवान ने सृजना की थी। अब क्या होता है कि ये सैटर्न नाम का एक राक्षस होता है, जो कि पहले हेवन में रह रहा होता है। ये गॉड के खिलाफ विद्रोह कर देता है, गॉड को गलत तो कहता है कि गॉड ऐसे है, मतलब कि गॉड के बारे में गलत बोलता है और ये गॉड का नाम भी नहीं लेता है। ठीक है, तो भगवान को गुस्सा आता है, तो भगवान इसको उठा के कहाँ पे पटक देते हैं, हेल के अंदर। पहले ये हेल के अंदर भेजते हैं, उससे पहले क्या है, ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं और कई दिनों तक इस गड्ढे में पड़े रहते हैं। फिर ये बाद में हेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये हेल में भी ये साजिशें करता रहता है सैटर्न। और ये जो सैटर्न है, ये इसके अंदर एक ऐसी पावर है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। सैटर्न किसी का भी रूप ले सकता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में ये सैटर्न और इसका एक दोस्त होता है बिल्जबब। ये दोनों आग के ऊपर लेटे हुए होते हैं, दोनों आग के ऊपर लेटे होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, हेल के अंदर सारी आग ही है, तो आग के अंदर ये दोनों लेटे होते हैं और ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अपने को वहां से क्यों निकाल दिया गया, भगवान ऐसे मतलब बुराइयां करनी है इन्होंने पूरी जिंदगी। ठीक है, फिर ये बुराइयां करते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन सैटर्न ये उड़ता रहता है इधर उधर इधर उधर, तो ये इसको बाय चांस क्या है, एक प्लेनेट दिखाई देता है, जो कि क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ वही जहाँ पे क्या है, कौन रहते हैं, एडम और ईव रहते होते हैं। फिर क्या है, ये एडम और ईव को वहां पे देख लेते हैं। एडम और ईव बातें कर रहे होते हैं किसके बारे में, ये बात कर रहे होते हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज के बारे में। भगवान ने इनको वहां पे घूमने फिरने को कहा था कि तुम कुछ मर्जी करो, बस ये फ्रूट ऑफ नॉलेज जो है इसको तुम खाना मत, और तुमने इसको खा लिया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो फ्रूट ऑफ नॉलेज के बारे में इनको इतना ज्यादा पता नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं कि इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी सैटर्न ये जो राक्षस है इसको सुन जाता है कि ये दोनों ये फ्रूट ऑफ नॉलेज के बारे में बातें कर रहे हैं, इसको खाने की कोशिश करने वाले हैं, या खाएंगे या नहीं खाएंगे ये नहीं पता। ठीक है, फिर क्या होता है कि वहां पे एक एंजल आ जाता है, भगवान को पता लग जाता है कि सैटर्न वहां पे आया था या वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो एंजल आता है भगवान के द्वारा और वो एडम और ईव को चेतावनी देता है कि एक सैटर्न नाम का राक्षस है, इससे बच जाना, क्योंकि ये तुम्हें खत्म कर देगा, ये तुम्हें परेशान करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो एक दिन क्या होता है, पहले सैटर्न एक दो बार आता है फिर भाग जाता है। फिर सैटर्न एक दिन सांप बन के आता है, और सांप बन के आके तब जब ये सांप बन के आता है, तो एडम और ईव कहते हैं कि अब अपने दोनों अलग अलग काम करते हैं, तू इधर काम कर मैं इधर काम करता हूँ। तो दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो ईव के पास क्या है, ये सैटर्न आ जाता है और इसको भड़काता है कि तेरे में इतनी हिम्मत है ना, तू फ्रूट खा के दिखा, ऐसे वैसे फ्रूट बहुत अच्छा है, ये मेरी दुनिया बदल देगा, ऐसे वैसे। तो ये ईव क्या है, इसकी बातों में आती है और वो फ्रूट को खा लेती है। फिर जब ये ईव एडम के पास आती है, कहती है कि तू भी फ्रूट खा ले, मैंने तो खा लिया। तो एडम भी ये सोचता है कि अगर अकेली ईव को सजा मिली तो मेरे साथ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए एडम भी क्या करता है, वो फ्रूट को खा लेता है। फ्रूट खाने के बाद इनको बहुत ज्यादा नॉलेज आती है, तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा नॉलेज आने के कारण इनके फिर बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो लस्ट होती है उसके कारण इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बच्चे पैदा होने के कारण धरती के ऊपर बच्चे बच्चे हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें कमाना भी पड़ेगा, कमा के इन बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इनको पहले तो अकल नहीं होती है, जब अकल आती है तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर ईव जो है वो सुसाइड करने का सोचती है, तो एडम कहता है कि अपनी गलती अपने भगवान से चल के माफी मांगते हैं। तो ये जब भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अब इसकी सजा तुम्हें तो मिलेगी मिलेगी, तो किस तरह से मिलेगी वो बता रहे हैं कि एक दिन क्या होगा, बाढ़ आएगी ऐसी धरती के ऊपर और सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बट एक ही इंसान बचेगा जिसका नाम क्या है, नोहा। तो ये नोहा जो है ये बचेगा और ये जीव जंतुओं को उठा के लेके जाएगा, कुछ कुछ प्रजातियों को, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन भी ग्रोथ कर सके। तो उस तरह से उनका जन्म होगा आगे। तो ये किसी और प्लेनेट के ऊपर चल जाएंगे या किसी और ग्रह के ऊपर चले जाएंगे। फिर क्या है, जब वहां पे बाढ़ बूढ़ आ जाएगी तो वहां पे जीसस का जन्म होगा, और जीसस सारी जितनी भी बुराइयां उनको दूर कर देंगे या अपने ऊपर ले लेंगे, और उन्हें पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है पूरी समरी, और अगर आपको समझ में आई है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे तो उसको जरूर देखना। थैंक यू।